लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन। आप बस मानो ना, आप उनकी अजमत पर यकीन रखो, क्योंकि ये करबला वाले वो हैं जो हमें इस अंधेरी दुनिया में, इस अंधेरी जिंदगी में, जो हमें नूर का रास्ता दिखा रहे हैं, जो अल्लाह की तरफ पलटने का जो हमें रास्ता बता रहे हैं, वो आले मोहम्मद हैं। यानी हर शख्स परेशान है, मगर करबला से दर्स लें सबर का, सबर करें। आज आप देख रहे हैं कि फलस्तीन के लोग किस तरह से सबर कर रहे हैं, किस तरह से आपको नजर आ रहा है कि एक जवान बाप अपने बच्चे के लाशे को किस तरह से उठा रहा है और रोकर ये कह रहा है कि मेरा बेटा रोजे महशर जाकर रसूल से कहना कि हम आपकी उम्मत से शर्मिंदा हैं, आपकी उम्मत ने हमारी मदद नहीं की। लिहाजा ये वक्त है फकत फलस्तीन के लिए नहीं, बल्कि पारा चिनार के लोगों के लिए, दुनिया भर जहां कहीं जुल्म हो रहा है। हमने हमेशा इस प्लेटफॉर्म से, अंजुमन गुलामान औलाद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के प्लेटफॉर्म से, हमने हमेशा जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया है। पारा चिनार के मुसलमान, फलस्तीन के मुसलमान, अफगानिस्तान के मुसलमान, क्वेटा के मुसलमान, जहां कहीं जुल्म हो रहा है, हम अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और दुनिया वालों को बता रहे हैं कि हमने करबला वालों से यह सीखा है कि जहां जुल्म हो वहां अपनी आवाज को बुलंद करें। मिलके पारा चिनार के मुसलमानों के लिए, क्वेटा के मुसलमानों के लिए, अफगानिस्तान के मुसलमानों के लिए, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए, यमन के मुसलमानों के लिए, जहां कहीं जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहें लबैक या हुसैन, बुलंद आवाज से लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन।